XUV 700O PDI, XUV 700O delivery, XUV 700O owner review. यार ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना दी इस गाड़ी पे, अब क्या बनाऊं यार? इस पे एक्सेसरीज तो लगवा नहीं सकता, पहले टॉप मॉडल है। अब मुझे लगता है मुझे इस गाड़ी का स्पेशल फीचर दिखाने पड़ेगा, वो वाला फीचर जो कि मैंने लास्ट के लिए रखा था। नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं एक इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है XUV 700O। तो ऑब्वियसली ये निकलने वाला जो नमस्ते कार वाले भैया है उन्हें बढ़िया लगता ही है। तो मैं आपको आज इस गाड़ी का ऐसा फीचर दिखाने वाला हूँ जो कि आपने शायद ही देखा हो, और अगर देखा भी होगा तो इतने डिटेल में नहीं देखा होगा, जिसका नाम है भाई ये इसका एड्रीनॉक्स कनेक्ट, जो कि भाई काफी एक तगड़ा ऐप है और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एड्रीनॉक्स कनेक्ट के नाम से। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक ऐप खुल के आता है जो कि आपकी गाड़ी से पेयर्ड होता है, और इसमें आपकी जो गाड़ी की, अरे ये तो छुपाना पड़ेगा, इसमें आपकी गाड़ी की जो लोकेशन है वो आ जाएगी, और आपकी गाड़ी का डिस्टेंस कितना बचा एमटी तक का वो आ जाएगा, और आपकी गाड़ी का ट्रिप लॉग आ जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ आपकी गाड़ी रुकी और कितने टाइम पे रुकी। और ये भाई काफी काम की चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं इस पे करंट ट्रिप लॉग पे, तो आपकी जो गाड़ी का एकदम नेविगेशन है, मैप है, वो आ जाएगा। तो अभी जैसे गाड़ी जो है स्टेल है तो इसलिए कोई टॉप स्पीड वगैरह एवरेज स्पीड आ नहीं रही। फिर अगर आप इस वाले ऑप्शन में जाते हैं जो कि है लोकेट माई एसयूवी, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, और अगर आप इसे मूव करेंगे तो इसकी मूवमेंट भी पता चलेगी रियल टाइम, तो वो काफी कूल है। और अगर आपका जो ड्राइवर है इस गाड़ी को बिना सीट बेल्ट के चला रहा है तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जो कि आपको दिख रही होगी। और इसमें जो कूल चीज है ये देखो भाई, इसमें जो ये गाड़ी है ये भी XUV 700O का टॉप है भाई, ये काफी कूल लगा मुझे, एकदम अटेंशन टू डिटेल रखी है महिंद्रा ने। और इसमें अगर आपको हॉर्न एंड ब्लिंक करना है तो ये वो आपको बाद में दिखाऊंगा। और गेट डायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपकी गाड़ी है और आपके बीच में जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी। ये 10 मीटर दिखा रहा है, वैसे मैं गाड़ी के सामने खड़ा हूं तो इसमें थोड़ा एक्यूरेसी का चक्कर है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि ये जो ऑप्शन है लोकेट माय एसयूवी वाला, इसका यूज क्या रहेगा रियल लाइफ में। तो भाई उसका यूज मैंने सोचा, हेलो, हाँ हर्ष भाई, वो यार मेरे को ना तेरी गाड़ी चाहिए थी, ग्राउंड पे जाना है, कब तक पिक कर लूँ वैसे? सुबह आ जाइयो, चल। 5 hours later. हेलो, हाँ राघव, हाँ भाई बता। हाँ कब तक निकलेगा? मैं तो भाई बस अभी सीधी है राजेश से यूटर्न ही ले रहा हूँ आने वालों। अभी तो इसमें चावड़ी बाजार के दिखा रही है, एक सेकंड, चावड़ी बाजार ये फंस गया। तो भाई उसका यूज पता चल गया। फिर सेकंड ऑप्शन आता है इसका ये वाला, जो कि आपकी गाड़ी का स्टेटस बताता है। तो ये अगर आप देखो चारों में आपको टिक मिल रहा है, मतलब जो चारों दरवाजे अभी बंद है, और बीच में आपको कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं मिल रहा, मतलब जो गाड़ी है वो अभी फिलहाल अनलॉक्ड है, इग्निशन ऑफ है गाड़ी का, हेडलैम्प भी ऑफ है, जो पार्क लैंप है वो भी ऑफ है, और जो हैजर्ड लैंप है वो भी ऑफ है। और ये भी आपको दिख रहा होगा 138 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, तो आपकी गाड़ी का जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो भी इसमें रियल टाइम आती है। और इसमें अगर आप देखो तो अगर मैं इस गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, और ये दरवाजा खोल दिया, तो ये देखो भाई अब हम ऐप देखते हैं। ऐप में आप देख रहे होंगे कि जो दरवाजा है खुला हुआ आ गया। तो भाई ये बहुत ही कूल है। और अब मैं इस गाड़ी की जो लाइट्स है वो ऑन करता हूँ। ये भाई ये मैंने लाइट ऑन कर दी, और ये जो ऐप है इसमें अगर आप देखो तो ये आ रहा होगा भाई, इग्निशन ऑन, हाई बीम ऑन और पार्क लैंप ऑन। तो देख रहे हो भाई कितनी कूल चीज है, और इससे भाई जो आपकी गाड़ी का स्टेटस है वो काफी बढ़िया पता चलता है। और अगर मैं दरवाजा खोलूं, मानो ये दरवाजा मैंने खोला अभी ऐप में गया, तो ये देखो भाई दरवाजा खुला हुआ आ गया। तो इससे जो आपकी गाड़ी का स्टेटस है वो पता चल जाता है कि गाड़ी का कौन सा दरवाजा खुला है, गाड़ी की लाइटें वाइटें चली है या फिर नहीं, और गाड़ी ऑन है या फिर नहीं। फिर जो इसका अगला कूल पार्ट है और मेरे ख्याल से बेस्ट पार्ट है, ये आप देख रहे होगे, स्वाइप फॉर व्हीकल कंट्रोल्स। तो इसमें अगर आप स्वाइप करते हैं तो इस कंट्रोल पैनल खुलता है, और इससे आप अपनी गाड़ी के बहुत ही सारे ऐसे फीचर कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आप वरना किसी और गाड़ी में शायद ही कर पाए। और जो बेस्ट लगता है मुझे ये वाला है भाई, सेंट्रल लॉक वाला। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और गाड़ी को अनलॉक करते हैं, या आपका पासवर्ड मांगता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूँ यार। और अब देखना भाई गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ये देखो भाई गाड़ी अनलॉक हो गई, और इसमें नोटिफिकेशन भी आती है फिर कि आपकी गाड़ी अनलॉक हो गई है। तो ये भाई बहुत ही काम का चीज है मेरे ख्याल से, और इसका जो काम है काफी कूल है, क्योंकि मान लो कि आप ऐसे गाड़ी के पास आ रहे हो और आप एकदम से ऐसे गाड़ी खोलते हो, अरे मैं तो चाबी लाया नहीं, फिर मैं क्या करूं? तो बस आप अपने ऐप को खोलो, ठीक है, ये सेंट्रल लॉक वाला जो बटन है इसमें अनलॉक दबाओ, अपना पासवर्ड डालो और गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई। बस ऐसे जाओ और भाई आपकी गाड़ी अनलॉक है, जाके बैठो आराम से। तो अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ये जो ऐप आपके बहुत ही काम में आ सकता है, अगर आपको गाड़ी के अंदर बैठना है। फिर आप मान लो कि जो लाइट्स है आपको इन्हें ऑन करना है, ऐसे शो ऑफ के लिए इसका कोई काम नहीं है। तो भाई इसके लिए बस ये हेडलैम्प वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करो और ऑन पे क्लिक करो, ये देख रहे हो हेडलैम्प्स इस गाड़ी के ऑन हो गए। जो एलईडी पार्ट है वो ऑन नहीं होता, बस जो हेडलैम्प्स है वो ऑन होते हैं, और ये नोटिफिकेशन आ जाती है। और अगर आपको ऑफ करना है तो बस ऑफ कर दो, और ये देखो भाई ऑफ हो गए। फिर आप देख रहे होगे हैजर्ड वाला बटन, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं हैजर्ड पे, तो आप ऑन पे क्लिक करें, ये देख रहे हो हैजर्ड लाइट्स ऑन हो गए, इसकी साइड की भी, इसकी ORVM की भी, और इसकी ये देखो पीछे की भी। और अगर आपको ऑफ करनी है तो भाई इस पे क्लिक करो, ऑफ पे क्लिक करो, और ये देखना ऑफ हो गई। तो देख रहे हो भाई कितना ज्यादा मस्त।
और कूल फीचर है ये। फिर मान लो कि ये गाड़ी ऐसे खड़ी है और आपको खड़े खड़े में इस गाड़ी में जो सनरूफ है इसके ऊपर वाली वो आपको खोलनी है, तो उसके लिए भाई ये देखो आ रहा है ऑप्शन स्काई रूफ वाला, इस पे आप क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो और ये कमांड जा रही है गाड़ी के पास। भाई ये काफी बारी काम नहीं करती वैसे, ये बात है, इस बारी कर जाए यार प्लीज। ओ भाई ये देखो खुल गई, देखो जो इसकी छत है ये देखो भाई खुल गई सनरूफ इसकी, कितना ज्यादा कूल है भाई ये। और अब मान लो कि बारिश आ रही है और आपको डर है कि भाई गाड़ी भीग ना जाए अंदर से, तो उसके लिए बस ये जो इसका स्काईरूफ वाला बटन है इस पे जाओ और क्लोज पे क्लिक कर दो, ये देखो भाई बंद भी हो गई फिर, देख रहे हो। और आप सोच रहे होगे भाई मैं अभी अकेले कैसे वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ फोन पकड़ के, क्योंकि भाई जो हमारा दोस्त है राघव वो आया नहीं आज, तो अगर आपको भाई उसके साथ वीडियोस देखनी है तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, 1 like is equal to 1 call फॉर राघव। फिर भाई ये वाला बटन है ना हॉर्न एंड, ये देखो ये वाला बटन है हॉर्न एंड ब्लिंक वाला, ये सबसे खतरनाक बटन है भाई, क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और अपना जो पासवर्ड है वो डालते हैं तो देखो देखो भाई कैसी आवाज करने लग जाती है, बंद करो, अरे अरे ऐसा लगता है चोरी हो गई। ये देखो भाई बंद हो गई, तो ऐसे आप बंद कर सकते हैं इसकी आवाज। तो इसका जो काम है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी ऐसे पार्किंग लॉट में खड़ी है और आपको अपनी गाड़ी को लोकेट करना है, तो वैसे तो आप अपनी गाड़ी को जो इसका ऐप है लोकेट माई SUV वाला उससे कर सकते हैं, पर अगर आपको वैसे हवाबाजी करनी है तो उसके लिए बेस्ट है भाई ये। फिर भाई जो इसका होली बटन है इस वाले ऐप का जिसके लिए सारे वेट कर रहे हैं वो है ये गोल वाला बटन, ये गोला जिसका नाम है स्टार्ट इंजन। तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए जो गाड़ी है वो ऑन होनी चाहिए, जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो भी आप सेट कर सकते हैं, फ्रंट डिफ्रॉस्टर और रेयर डिफ्रॉस्टर आप सेट कर सकते हैं। और अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो आप देखना भाई ये गाड़ी ऑन हो जाएगी, देख रहे हो कितना ज्यादा कूल है भाई ये भाई साहब। और अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये देखो भाई अंदर AC भी चल रहा है पूरा एकदम फुल स्पीड पे, और जो पूरी स्क्रीनें वगैरह है जो सीटें वगैरह है सारी काम कर रही है, तो भाई ये बहुत ही कूल है यार। और भाई अब मुझे मान लो कि गाड़ी को बंद करना है, तो मैं जाऊंगा स्टॉप इंजन पे, अपना पासवर्ड डालूंगा, बंद हो गई गाड़ी भाई। तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को 100% यूज कर सकता हूँ इस वाली टेक्नोलॉजी से। तो अब जो मैंने आपको कहा था कि इस गाड़ी को आप 100% यूज कर सकते हैं इसके ऐप से, तो उसका ट्रायल देता हूँ भाई। तो ये देखो भाई इस गाड़ी की चाबी है ये, तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ के आता हूँ। ये देखो भाई इस गाड़ी की चाबी को मैंने इधर रख दिया, ये देख रहे हो चाबी इधर रख दी मैंने, और अब भाई जो गाड़ी हमारे पास है और जो गाड़ी है वो लॉक्ड है, ये देखो भाई गाड़ी लॉक्ड है। अब मुझे सबसे पहले गाड़ी को ऑब्वियसली अनलॉक करना पड़ेगा अगर मुझे इस गाड़ी में बैठना है, तो मैं क्लिक करूंगा सेंट्रल लॉक पे और अनलॉक पे क्लिक कर दूंगा, अपना पासवर्ड डालूंगा, तो ये देखो भाई गाड़ी अनलॉक हो गई। और अब मैं जाता हूँ इसमें बैठता हूँ ऐसे अंदर, लॉक कर दे भाई लॉक, अच्छा लॉक कर दे भाई लॉक। ये देखो भाई अब मैंने गाड़ी लॉक कर दी अंदर बैठ के, और अब मुझे गाड़ी को ऑन करना है ऑब्वियसली, तो मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट इंजन पे, कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा, देख रहे हो भाई अब ये गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। तो एक तरह से आप देख रहे हो भाई मैं गाड़ी में बैठा बिना चाबी के मैंने जो गाड़ी है उसे ऑन कर दिया, जो गाड़ी का इंजन है उसे स्टार्ट कर दिया, और अब मैं गाड़ी को चला सकता हूँ ऑफिशियली। तो इस गाड़ी को आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है। अब मान लो कि मुझे गाड़ी से उतरना है तो मैं बस ये ऑफ वाला बटन दबाऊंगा, अब ये गाड़ी ऑब्वियसली लॉक्ड है, तो मैं करूंगा सेंट्रल लॉक में अनलॉक पे क्लिक करूंगा, अपना पासवर्ड डालूंगा, गाड़ी अनलॉक हो गई, गाड़ी को मैंने खोला, अब मैं गाड़ी को लॉक करूंगा सेंट्रल लॉक, गाड़ी को करूंगा लॉक, देख रहे हो गाड़ी लॉक भी हो गई। तो ये था भाई इस गाड़ी का ये वाला कूल फीचर, तो आप इस गाड़ी को पूरा ऑलमोस्ट 100% अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई अब जाके चाबी ले लेते हैं भाई, यार ऐसा हुआ मैं भूल ही गया चाबी इधर, ये भाई चाबी हमारी देख रहे हो चाबी पड़ी है, वैसे यही यूज करेंगे पर जो ऐप है उस पर आप रिलाय कर सकते हैं फिर भी अगर आपके पास चाबी नहीं है। और ऐसे कूल फीचर्स के लिए कारवर्सल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारा 5,20,000 सब्सक्राइबर का एम है January 2022 का, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, हमारा जो टारगेट है उसे कंप्लीट करा दो, और बाकी एक लाइक करना अगर आप चाहते हो कि मैं राघव के साथ वीडियो बनाऊं।